हाय गाइस, मेरा नाम है नंदन और इस वीडियो में LG के न्यू मैजिक रिमोट की अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स तो नहीं है वैसे, एज इट इज मिला मुझे और मैंने इसे UP75 टीवी के लिए बाय किया है। UP75 सीरीज में दो मॉडल्स हैं गाइस, UP7500 और UP7550, जिनमें से एक के बॉक्स में मैजिक रिमोट आएगा और दूसरे के बॉक्स में बेसिक रिमोट मिलेगा। मैजिक रिमोट सेपरेटली बाय कर सकते हैं, जिसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं वो सब डिस्कस करेंगे, साथ में वेयर टू बाय, हाउ टू बाय, प्राइस, प्रोज एंड कॉन्स एंड यूजफुल फीचर्स भी देखेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। होपफुली आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन यूज करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो UP7500 टीवी ऑनलाइन एक्सक्लूसिव मॉडल है, जिसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से बाय कर सकते हैं। एंड UP7550 दूसरा ऑफलाइन स्टोर्स में मिलने वाला मॉडल है, जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है UP7500 से। वैसे दोनों कंप्लीटली सेम टीवीज हैं, बस मैजिक रिमोट UP7550 के बॉक्स के अंदर मिलेगा, वेरेज UP7500 के बॉक्स में स्टैंडर्ड रिमोट आएगा और मैजिक रिमोट अलग से बाय कर सकते हैं, जैसा मैंने किया। अलग से बाय करने पर थोड़ी सेविंग्स पॉसिबल हैं, क्योंकि मैजिक रिमोट की कॉस्ट ऐड करने के बाद भी UP7500 का प्राइस कम पड़ेगा, प्लस एक एडिशनल रिमोट भी मिल जाएगा जो कि समटाइम्स यूजफुल हो सकता है। स्टैंडर्ड रिमोट की भी एक स्पेशलिटी है, उसे और UP7500 टीवी की अनबॉक्सिंग और 12 डेज यूजेज रिव्यू को हमारे चैनल पर देखा जा सकता है। वीडियो ऑलरेडी अप है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो टीवी की डिलीवरी के बाद इंस्टॉलेशन टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, तो जब भी फ़ोन आए आप उनसे मैजिक रिमोट साथ में लाने के लिए बोल सकते हैं। एंड मेरे केस में मुझे UP75 न्यू मॉडल है बोला गया था और एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं था रिमोट, सो 20-25 डेज तक वेट करने के लिए कहा गया था। देन अराउंड 20 डेज के बाद मैंने सेम टेक्नीशियन को कॉल किया तो रिमोट अवेलेबल था एंड LG कस्टमर केयर पर डिलीवरी रिक्वेस्ट रजिस्टर करने को बोला गया मुझे। सो होता क्या है कि टेक्नीशियन सर्विस सेंटर के होते हैं तो अवेलेबिलिटी आपको उनसे पता लग जाएगी, लेकिन डिलीवरी रिक्वेस्ट कस्टमर केयर से करवानी होगी और बैटरीज इंक्लूडेड नहीं थी पैकेजिंग में, वो अलग से बाय करनी होगी। नाउ एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न, मुझसे 897 प्लस 236 रुपीज डिलीवरी के चार्ज किए गए इस रिमोट के लिए। अगर आप सर्विस सेंटर जाके बाय करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस सेव होंगे एंड 236 रुपीज डिलीवरी चार्ज फिक्स्ड है गाइस। सर्विस सेंटर एंड कस्टमर केयर दोनों जगह मुझे सेम अमाउंट बताया गया, लेकिन रिमोट का प्राइस सर्विस सेंटर वाले ही बताएंगे। सो यूजेज के बाद इस रिमोट का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, प्रीवियस मैजिक रिमोट के कंपेरिजन में बेटर है। बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, क्लिकी और टेक्टाइल बटन है। लाइट्स ऑफ होने पर भी इजीली यूजेबल है रिमोट, प्लस कनेक्ट भी क्विकली एंड इजीली हो गया था, सो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। माइक भी अच्छे से काम करता है और रिमोट में स्क्रोल व्हील होना भी काफ़ी कन्वीनियंट है, लेकिन क्लिक के लिए भी स्क्रोल व्हील ही प्रेस करना पड़ेगा, सो वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। ऑल्सो गाइस, UP75 टीवी HDMI CEC फीचर के साथ में आता है, सो HDMI के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस को टीवी के रिमोट से ही ऑपरेट कर सकते हैं, बीट, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, कॉन्सोल्स और साउंड बार्स, डिफरेंट रिमोट्स की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने फायर स्टिक के साथ में टेस्ट किया तो मैजिक रिमोट के पॉइंटर से तो क्लिक्स नहीं हुए, लेकिन नॉर्मल रिमोट की तरह डी पैड से प्रॉपरली वर्क किया मैजिक रिमोट। स्टैंडर्ड रिमोट भी प्रॉपरली वर्क करता है HDMI CEC के साथ में। और LG ThinQ ऐप के रिमोट को मिलाकर टोटल 3 रिमोट्स हो जाएंगे UP75 को यूज़ करने के लिए, जिनमें से मुझे पर्सनली ThinQ ऐप का रिमोट बेस्ट लगा, क्विकली कनेक्ट हो जाता है, डी पैड ट्रैक पैड दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे इस ऐप में, सो ओवरऑल ये बेस्ट है मेरे ओपिनियन में। बाकी मैजिक रिमोट कन्वीनियंट तो है फॉर श्योर, डिज़ाइन एंड बिल्ड भी डिसेंट है, लेकिन अगर आपका बेसिक यूज़ ही है तो मैजिक रिमोट के बिना भी काम चल सकता है, अगेन इन माई ओपिनियन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन, किसी और को नीड हो तो शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।